नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज के इस आधुनिक दौर में प्यार के चक्कर में पड़कर आज की युवा पीढ़ी किस हद तक पहुंच रही है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रयागराज जिले में कुछ इसी प्रकार की घटना कौधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गाँव में देखने को मिली, जहां पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर रात में चोरी छिपे पहुंच गया। जहां अपने घर पर पहले से अपने प्रेमी के इंतजार में बैठी प्रेमिका ने प्रेमी के आने पर अपने घर का दरवाजा खोल दिया, लेकिन महज संयोग देखिए कि घर में आठ होने पर प्रेमिका के घर वाले जग गए और एक कमरे में एकांत में युवक व युवती को देखकर सब दंग रह गए। जिसके बाद युवती के परिजनों ने प्रेमी युवक को घर के सामने नीम के पेड़ में बांध दिया और सुबह होने पर पूरे गांव के ग्रामीणों के सामने प्रेमी युवक की लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। लाठियों की मार से कराह रहे प्रेमी ने अपने आप को बचाने की लोगों से गुहार लगाता रहा, पर युवती के घर वाले युवक को पीटते पीटते जब थक गए तब उनके द्वारा कौंधियारा थाने में सूचना देकर उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया युवक रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का रहने वाला है। उनके लड़की बुलाई थी तो इसलिए गया था, वो पीछे से दरवाजा खोल के, तो सुबह में सो गया तो फिर कहां सो गए थे आप? उनके घर में। तो ये किसके घर में आप लोग गए थे? जन्नत अली। किस गांव के रहने वाले हैं? हम सुहागी थाने के बगल में, वो रेक्साहा गांव। तो रेक्साहा गांव से आप यहां कौंधियारा थाना क्षेत्र में किस गांव में आए थे? पिपराहटा गांव। तो ये आप लोगों को, आपको जो है बंधक बना के क्यों मारा उन लोगों ने, ये बताइए। वो क्या ना, उनकी लड़की बुलाई थी तो वो सो गया था तो देख लिए थे तो इसलिए मारे थे। तो आपके द्वारा जो है कहीं शिकायत की गई? थाने में की गई। आपको मारने वालों में कौन कौन लोग थे? जन्नत अली थे, उनके परिवार के थे और हम और को नाम नहीं जानते। नीम के पेड़ में कितने घंटे तक आपको बांध के रखा गया था? करीब आधा घंटा लगे बांध के रखा गया जी। पुलिस के पहुंचने पर उन लोगों ने खोला है या पहले खोल दिया? पहले ही खोल दिया था तो मैं वहीं पर बैठा था।